ट्रेड वेलोसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन बता दिए थे पिछले क्लास में। आज आपको पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में, जो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का डिडक्शन बताए थे कि ड्रीम वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम ओम्स लॉ को डिडक्ट किए थे वी इक्वल टू आई आर, उसी बात डिफाइन करना है ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ पर रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, रेजिस्टेंस के जरिए फिर पैरेलल सीरीज के बारे में बताया जाएगा और उस पर न्यूमेरिकल्स कराया जाता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो ओम्स लॉ क्या होता है पहले समझिएगा आप लोग। जैसे कोई भी कंडक्टर आपका है और इसमें जब हम सोर्स सप्लाई देते हैं, जैसे कंडक्टर आपका दिया हुआ है और सोर्स सप्लाई अगर आप देते हैं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेट करते हैं भी, और इससे करंट अगर आई पास कर रहा है इस सोर्स से, तो करंट जो आपका पास करेगा आई करंट का रेट जो है डिपेंड करता है पोटेंशियल पर, कि पोटेंशियल आप कितना ज्यादा जनरेट कर रहे, जितना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट करेंगे करंट भी उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, पोटेंशियल कम जनरेट करेंगे तो करंट भी आपका कम जनरेट होगा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि करंट और पोटेंशियल में एक रिलेशन है जो डायरेक्टली रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट का रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल को बढ़ा दिया जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं एक पार्टिकुलर कंडीशन में ऐसा होता है, पार्टिकुलर कंडीशन कहने का मतलब ये है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट लिया जाता है और आपका स्ट्रेन जो होता है उस मेटेरियल का वो भी आपका कॉन्स्टेंट लिया जाता है। मतलब इसमें यह बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the supply current, या ये भी बोल सकते हैं कि supply current जो होता है आपका सप्लाई करेंट इन द गिवेन कॉम्बिनेशन, मतलब गिवेन कॉम्बिनेशन में सप्लाई करेंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the combination at a particular situation that is at constant temperature and strain of the conductor that is called ohm's law, जिसको क्या कहा जाता है ohm's law कहा जाता है। मतलब यहां पर I जो होता है वो directly proportional होता है potential difference का, या potential difference होता है वो directly proportional तो current होता है, at T और strain होता है जब कांस्टेंट लिया जाता है तो, ठीक है ना। मतलब V इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जो लिखते हैं, तो V इक्वल टू यहाँ पर R I लिखा जाता है या V इक्वल टू I R लिखा जाता है, जिसमें R को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल जो होता है उसमें अपोजिंग टेंडेंसी जो होता है, जैसे अगर एक बल्ब लेते हैं तो इसमें जो फिलामेंट जो होता है उसका एक अपोजिंग टेंडेंसी होता है, करंट को अपोज करेगा जिसके कारण वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आर का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको करिए ग्राफिकली अगर इसको दिखाना होगा
ग्राफिकली ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे भी इक्वल टू आप लिखे आई आर, इसे भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है ना। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पर आप भी ले रहे हैं और यहां पर आप आई ले रहे हैं, तो ग्राफ जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब आपका आर इक्वल टू कितना आएगा, तो भी बाई आई, ये कॉन्स्टेंट आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर आपका करंट है, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है इसका स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब सीधा ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो ग्राफ बिटवीन द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड पोटेंशियल विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है आपका, है ना। हियर आर इज द रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल, जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं उसका ये गिवन मटेरियल आपका रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस होता है मतलब रेजिस्टेंस आपका मटेरियल के, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगा, जैसे लेंथ पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर कैसा है, किस तरह का मटेरियल ले रहा है, आयरन ले रहा है, कॉपर ले रहा है, किस तरह का ले रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिल्वर ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, सबका वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपको ओम्स लॉ को डिडक्ट करके बताना है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ को आपको डिराइव करना है, मतलब भी इक्वल टू आई आर को प्रूव करना है, टू प्रूफ, इसको प्रूफ करके आपको बताना है, ठीक है, इसको करिएगा पहले आप। कूलम्स लॉ का डिडक्शन है, कूलम्स लॉ का आपको निकालना है, तो कंडक्टर के केस में आपको हम बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, जैसे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो है भी है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और इसका लेंथ है एल, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रहे हैं वो है आपका ई। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका ड्रिफ्ट हुआ था इसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो आपका ड्रिफ्ट हुआ था रीडिंग, तो रिलेशन जो आपका था, रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई इज गिवन बाय आई इक्वल टू क्या था, ए एन ई वीडी, ठीक है ना, आई इक्वल टू था ए एन ई वीडी था आपका, ठीक है, और वीडी इक्वल टू जो आपका था, वीडी इक्वल टू था ई टाउ बाय एम, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंड आपका E इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल, है ना। यहाँ से आप E का वैल्यू हम रख सकते हैं, मतलब वी डी का वैल्यू जब आप निकालेंगे,
आपका हो जाएगा ई डी टाउ बाई एम एल, ठीक है। तो आप ये रिलेशन जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रॉम वन से अगर बात करें, फ्रॉम वन I का वैल्यू कितना है ए एन ई वी डी, और इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ए एन ई वी डी का वैल्यू कितना है ई वी टाउ बाई एम एल। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो I का वैल्यू यहाँ से जो निकलेगा ये आपका हो जाएगा ए एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम एल, ठीक है। इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं, वी को अलग कर देते हैं। यहां पर ये जो वैल्यू है हेयर एम एल स्क्वायर एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ जो है दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। हेयर एम क्या है, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास है जो कॉन्स्टेंट होता है। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ है ये भी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कॉन्स्टेंट होता है आपका, ठीक है ना। ये क्या है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका कॉन्स्टेंट होता है। टाउ क्या है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, जो आर की जगह पर यूज किया गया है एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल जो होगा ये वैल्यू होगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर मटेरियल का दे देगा तब ये वैल्यू आप से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द रेजिस्टेंस, ये आपका है रेजिस्टेंस है मटेरियल का, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मटेरियल, जो भी मटेरियल आप यूज करते हैं उसका ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप जो भी इक्वल टू लिख रहे हैं एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ इंटू आई जो लिख रहे हैं, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा आर आई, है ना। तो आर इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, आर क्या है कॉन्स्टेंट है, तो भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। दिस इज द ओम्स लॉ, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे ही प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन रहेगा जो प्रूफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूव कीजिए तो आप ये प्रूव कर देंगे। बहुत सिंपल है ये, वही बच्चा प्रूव कर सकता है जो रेगुलर क्लास चारों लेक्चर किया होगा वो आसानी से कर लेगा, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो वी इक्वल टू आई जो आप लिखे हैं इसको आप I इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं, I डायरेक्टली इक्वल टू वी भी, वी डायरेक्टली इक्वल टू I लिख सकते हैं, इसको V इक्वल टू आई आर आप लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आप उतार इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में अगर हम बात करते हैं, जैसे कंडक्टर आपका दिया हुआ है और इसको जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं तो करंट आपका पास करता है इसे, और करंट जो पास करता है इसमें एक अपोजिंग टेंडेंसी होता है, ऑब्स्ट्रक्शन जनरेट होता है जो करंट को रोकना चाहता है। तो रोकने का जो टेंडेंसी होता है फ्लो करंट का, वही टेंडेंसी कराता है रेजिस्टेंस। मतलब आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस of the material is the obstruction caused by the material when current flowing through the material। obstruction जो होता है रुकावट जो होता है forced होता है generate होता है उसी को electric resistance कहते हैं। इसको ऐसे भी divide किया जाता है electric resistance of the
material is defined as the ratio between the electric potential to the flow of current जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं electric resistance। अब electric resistance होता है आपका, ये सब दो नंबर में पूछता है क्वेश्चन, electric resistance को define करने के लिए दे देगा दो नंबर में। तो ये आपका electric potential by flow of current जो होता है ये value होता है R equal to होता है V by I होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट जो होता है आपका SI यूनिट ऑफ R V by I है, तो V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर, ठीक है ना। ये वैल्यू होगा आपका वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप ओम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम, जिसको इस साइड से दिखाया जाता है ओम बोलते हैं। डायमेंशन जो इसका होता है, डायमेंशन ऑफ R, R का डायमेंशन निकालने के लिए देता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा भी है, जेई वगैरह में भी पूछा है रेजिस्टेंस का निकालने के लिए। R इक्वल टू होता है V by I, तो आप V का वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज होता है बाई I, मतलब इसको आप लिख सकते हैं W बाई Q इंटू I, और W इक्वल टू क्या होता है ML स्क्वायर T माइनस टू, चार्ज का क्या होता है A T, करंट का होता है A। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा M L स्क्वायर, ए को ऊपर ले लीजिएगा तो एम एल स्क्वायर, टी को ऊपर लेंगे तो टी माइनस थ्री, ए को ऊपर लेंगे तो कितना होगा ए माइनस टू। ये आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। कंपटीशन वगैरह में भी पूछ देता है निकालने के लिए, तो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, एक ट्यूब है जिसमें प्रोटॉन जो है ट्रिप कर रहा है, मतलब प्रोटॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, सेक्शन इतना पर सेकेंड, मतलब नंबर दिया हुआ प्रोटॉन का तो यहाँ से करंट निकल जाएगा, एन दिया हुआ है तो इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 से गुणा कर देंगे, और एक सेकेंड टाइम है तो करंट निकल जाएगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है। व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में अक्रॉस अनदर क्रॉस सेक्शन, दूसरे क्रॉस सेक्शन ट्यूब है, जैसे दो ट्यूब में दो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है एक ये है, इससे करंट जो बन रहा है आपका वो इतना पर सेकेंड है, मतलब कि इसको आप चार्ज से गुणा कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज इतना, अगर ट्यूब में वोल्टेज आपका दिया हुआ है, वोल्टेज आपका V इक्वल टू 240 वोल्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब, तो सबसे पहले इफेक्टिव करंट आपको निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव करंट पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। आई इफेक्टिव निकालिएगा तो आई इफेक्टिव जो होगा आपका प्रोटॉन जो मूव कर रहा है कितना 1.0 इंटू 10 टू द पावर 18, चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इतना करंट बढ़ाएगा प्रोटॉन की वजह से, ठीक है ना। दिस इज द इफेक्टिव करंट, ये इफेक्टिव करंट है किसका, ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन की वजह से बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना बन रहा है 2.0 इंटू 10 टू द पावर 18 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आपका इफेक्टिव करंट है किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इफेक्टिव करंट आपका उस ट्यूब में बन रहा है ड्यू टू आपका इलेक्ट्रॉन, तो टोटल करंट कितना जनरेट करेगा ये ट्यूब में, तो टोटल करंट हो जाएगा इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये 3 इंटू 10 टू द पावर 18 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब ये आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, मतलब 0.48 एम्पियर होगा इफेक्टिव करंट उस ट्यूब से पास कर रहा है। इफेक्टिव करंट जब पता चल गया तो ई इक्वल क्या होता है आई आर, तो आई आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आर इफेक्टिव हो जाएगा वी बाई आई इफेक्टिव, तो वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 240 और आपका आई इफेक्टिव कितना है ये 0.48 है, इसी में लगा दीजिए, इसलिए कटेगा कितना मरतबे, दो मरतबे, ये हो गया 10, इसलिए कटेगा 5, मतलब आपका 500 रेजिस्टेंस आपका
इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा उस ट्यूब का, ट्यूब का इतना रेजिस्टेंस होगा 500 ओम। ठीक है, तो वीडियो आपका जो डाला जा रहा है यूट्यूब पर, इसको आप केयरफुली क्लास कीजिए और रेगुलर वे में क्लास कीजिए। रेगुलर वे में क्लास कीजिएगा तो ही समझ में आएगा मेरा जो भी लेक्चर डाला गया अभी तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा लेक्चर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर अभी डला ही रहा है आपका, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी मजबूत कर लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मजबूत हो जाएगा तो मैग्नेटिज्म पढ़ने में मजा आएगा। और ये जो पढ़ाया जा रहा है एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाया जा रहा है, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया उस हिसाब से। बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी टाइप से पूछेगा एग्जाम में। और न्यूमेरिकल्स का जो प्रैक्टिस करना है तो वो अलग से हम डाल रहे हैं, अलग से डालेंगे, अभी डालना स्टार्ट किए हैं। न्यूमेरिकल भी फर्स्ट चैप्टर से डालना स्टार्ट हो रहा है, जिससे जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। और थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी करना है, बोर्ड एग्जाम जो भी देना, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, समझ में आएगा। सारा वीडियो आपको डाला जाएगा इस पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि नए बच्चे को मिल सके, वो भी क्लास कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं फिजिक्स में, और बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम, उसके वजह से क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सारे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे सारे बच्चों को मिल सके।